हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि पौधे को देख के हमको कैसे पता लगता है कि ये रूट बाउंड हो चुका है। तो ये देखने से कई बार वैसे ही पता लग जाता है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या साइंस देते हैं प्लांट। कुछ साइंस प्लांट देते हैं, अगर प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वो खुद सारी चीज़ें, वो उनकी लीव्स सब कुछ बता देते हैं कि प्लांट्स के साथ क्या हो रहा है, रूट के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लीव्स हम देख सकते हैं, फूल फ्लावर्स सब देख सकते हैं, रूट्स हम नहीं देख सकते। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं लीव्स और इसके स्टेम, सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि इसकी हेल्थ कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखेंगे कि रूट बाउंड प्लांट में लीव्स बहुत येलो होके झड़ रही हैं। देखिए इसकी कितनी येलो है, ये सब येलो हो रही हैं। क्या रीज़न है? अगर हमने इसके नीचे देखा, ये पहला पॉइंट है, इसके नीचे देखा कोई कीड़ा नहीं है और मिट्टी में भी कोई फंगल अटैक नहीं लग रहा, तो ये पीली लीव्स क्यों हो रही हैं? छाए में भी रखा हुआ है इसको मैंने, लीव्स क्यों पीली हो रही हैं और झड़ रही हैं ऐसे? देखिए इसमें भर गया लीव्स से, क्यों गिर रही हैं ये? लीव्स गिरनी नहीं चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जब मैं पानी डालती हूँ तो पानी ये सोखता ही नहीं है, पानी ऊपर से निकल निकल के आता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, पानी डालो नीचे से निकल आता है, वो नहीं हो रहा। तो ये सेकंड पॉइंट है। अब ये मिट्टी बता रही है, पहले लीव्स ने बताया, सेकेंड पॉइंट में मिट्टी बता रही है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जब मैं इसको पानी डालती हूँ तो ये थोड़ी देर बाद ये विल्ट कर जाती हैं, लीव्स गिर जाती हैं, ऐसे ढल जाती हैं। और जब मैं पानी डालती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती हैं और 3-4-5 घंटे में फिर से वो वैसी ढीली हो जाती हैं। ये तीसरा पॉइंट है कि बहुत जल्दी जल्दी ये प्लांट स्ट्रेस में दिख रहा है, ऐसा लगता है पानी की फिर कमी हो गई है, क्या रीज़न है? थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट ये देखिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके यहाँ से रूट्स दिखने लग गई हैं। फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ है कि यहाँ से रूट्स दिखने लग गई हैं आपको, ये देखिए ये रूट्स बाहर आ गई हैं। ये कंफर्म्ड है कि ये रूट बाउंड हो चुका है, फाइनल तो ये दिख ही जाएगा। अब सब चीजें देख रहे हो तो ये उल्टा करके देखिएगा, छोटा गमला इजीली हो जाता है, बड़ा गमला है थोड़ा लुढ़का के लॉन के ऊपर या फर्श के ऊपर फिर देखिएगा। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, ये देखिए कितनी लीव्स पीछे गिर गई। अब ये प्लांट का नाम है, इसमें बेरीज आती हैं, इसको पिजन बेरीज कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रेड बेरीज आती हैं। तो चलिए अब इसको, ये कन्फर्म हो गया, यहाँ से देख लिया हम लोग ने, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा निकाल के देखेंगे। निकालेंगे कैसे, इसको यहाँ से ऐसे करके पकड़ लेंगे, ऐसे करके, और फिर इसको टैप करेंगे धीरे धीरे धीरे। ये देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका है, बाहर बाहर लीव्स, ये रूट्स गोल 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 होके ये पूरा भर दिया है, रूट इसने पूरा भर लिया है। मिट्टी कम हो गई है, मिट्टी का कलर फर्क हो गया और ये प्लांट रूट बाउंड लग रहा है। ये देखिए बेरीज मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसी बेरीज आती है, बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये रूट बाउंड हो चुका है, अब इसकी व्हाइट व्हाइट लीव्स बाहर दिख रही हैं। अब हम लोग को क्या करना है, रिपॉट करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है, पानी नहीं आ पा रहा नीचे तक, न्यूट्रिशन खत्म हो गया है, इसको और मिट्टी चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये देखते हैं इससे बड़ा गमला, इससे नेक्स्ट साइज गमला लेंगे, ये छोटा रह गया इसके लिए क्योंकि रूट बाउंड हो चुका है। अब ये लेते हैं, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये तो मैं हटा देती हूँ, अब इसको फैला देती हूँ और ये देखिए इसको थोड़ा ढीला करेंगे, धीरे 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 ढीला करेंगे। आप कुछ रूट्स इसकी काट भी सकते हैं, मैं इसलिए नहीं काटूंगी कि थोड़ी गर्मी का माहौल है, नहीं तो ये इतनी काट सकते हैं आप रूट्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी,
अब इसको बड़े गमले में, और पॉटिंग सॉइल बड़े गमले की क्या ली है मैंने, खूब न्यूट्रिशियस सॉइल ली है। इसमें डाला है मैंने 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 सैंड, 1/4 वर्मी कंपोस्ट और 1/4 कोकोपीट। और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा बोन मील और नीम खली डाली है। अब देखिएगा इसकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, येलो प्लाइंग जो येलोइंग ऑफ लीव्स वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसमें जो ये फ्रूट्स में रेड रेड दिखा रही थी ये भी ज़्यादा आने लगेंगे और इसकी ग्रोथ खूब अच्छी हो जाएगी। ये देखिए ऐसे इसके बेरीज होती हैं। अब इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि नीचे जो रूट बॉल में कोई जगह ना रह जाए। ये बहुत ज़रूरी है ये प्लांट को कर दें, नहीं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है प्लांट्स की, क्योंकि ये नीचे से ही न्यूट्रिशन लेता है। सारा न्यूट्रिशन, सारा फूड, सारा जितना भी ग्रोथ है यहाँ शुरू होती है, बॉटम टू अप नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। ये सनलाइट वनलाइट सब इम्पॉर्टेंट है, मगर जब तक ये सॉइल इसकी ठीक नहीं होगी ये कैसे ग्रो कर पाएगा। बस अब दिस प्लांट इज गोइंग टू रन नाउ। अब मैं इसमें अभी नया नया प्लांट किया है तो मैं इसको ये मिट्टी देखिए, इसकी मिट्टी का कलर और इसके कलर देखिए फ़र्क हो गया है। इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं और रूट सारा ले चुकी है, रूट बाउंड हो चुका है, गमला भी उसके लिए छोटा हो गया है। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसको रिम के चारों तरफ से इसमें पानी डालेंगे। बस अब इसको कुछ दिन शेड में रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो कैसे देखें कि ये कौन सा प्लांट रूट बाउंड है, आइडेंटिफाई करना प्लांट को कि कौन सा रूट बाउंड है और इसको कैसे रिपोर्ट करें, क्या साइंस होते हैं इसके प्लांट्स के, वो सिग्नल क्या क्या दे रहा है आपको। ये अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।